चलिए भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो जितना किया था उससे आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को यहाँ तक हमने किया था, यहाँ पर हम लोगों का फ्लोर ऑन था, फ्लोर हम लोगों ने यहाँ सेट किया। ठीक है कि लाइक मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, तो यहाँ पे कैसे लाइट बॉक्स में गए, लाइट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे कहाँ मिलता है। अब देखो यहाँ से अगर मैंने टूल ओपन किया तो मुझे ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे करके भी है, एक सिंपल सा पार्ट ऐसा होता है, जब मैं फाइल में ओपन करता हूँ, ओपन किया, ठीक है, एक जी पी एल फाइल भी होती है। जी पी एल फाइल में क्या होता है, यहाँ चेक करो, यहाँ पे जी पी एल फाइल में आपको ये लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये फाइलें आ जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका जी पी एल फाइल पे भी आप फोकस कर सकते हो, जी पी एल फाइल पे भी आप पैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, लाइक व्हाट वी वांट, यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना चाहते हैं। फ्लोरिंग को देखना है, यहाँ पे कितनी चीज़ों को मैच कर सकते हैं, ये लाइक ऑन ऑफ करके भी देखना है। प्लस में अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट है उन पार्ट में कैसे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पर सेफ है, सेफ मुझे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो लाइक चीज़ों को मैं कितना ऑन ऑफ करके यहाँ पर क्रॉस चेक करूँगा, बस यहाँ पे कितना पार्ट मेरे पास विजुअल है। प्लस में लाइक कुछ रेफरेंस को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, जितना वापस यहाँ पर दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ मेल और फीमेल के स्पेल का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पे कि मेल और फीमेल के स्पेल में जो भी डिफरेंस होता है वो भी है। देन लाइक देखो जैसे टेम्पोरल बोन कौन सा है, ठीक है, लाइक आपके यहाँ पर नेसल बोन कौन सा है, ठीक है, जेगोमेटिक बोन कौन सा है, इनके नाम जो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। फ्रंटल बोन कौन सा है, तो उन चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे। ठीक है, मैंडिबल कौन सा है, मैंडिबल आपके पास यहाँ पे ठीक है। ठीक है, मैगजिला, इन सारे पार्ट को थोड़ा ऐड ऑन करना है। यहाँ देखो मेल फीमेल के कुछ रेफरेंस भी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फीमेल का जो अगर फेस स्ट्रक्चर देखते हैं, स्कल स्ट्रक्चर देखते हैं, मेल का पे ब्रॉड है, फीमेल को बतला है यहाँ पे। ठीक है, आई सॉकेट तो देखो आई सॉकेट का पार्ट है, नेसल का पार्ट है, नेसल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका बतला है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपके लाइक चिन पे देखो यहाँ पे, ये पार्ट ब्रॉड है, यहाँ पे बतला है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो डिफरेंसेज हैं। ठीक है, और अगर आप देखा होता है मेल में लाइक ये एरिया कैसे दिखता है, फीमेल का ये एरिया कैसा है। ठीक है, तो लाइक ऐसे भी आप थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करोगे। ओके, और देन अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ छोटे से इमेज मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइक ये आई सॉकेट है, पीछे ये वाला पार्ट है मेल फीमेल वाला। ओके, इधर से ये ब्रॉड वाला पार्ट है, ये साइड से मेल वाला बड़ा होता है, फीमेल का छोटा होता है। ये वाला पार्ट आपका आई सॉकेट वाला पार्ट, अंदर की तरफ है ब्लोरिस, ठीक है, ये वाला पार्ट अंदर, ये टेथ वाला पार्ट, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कैसे बना सकते हैं, कितना चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सब टूल पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपेंड कर दिया, मैंने यहाँ पे अपेंड करके स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये मैं उस स्क्वायर रहता था, मैं स्क्वायर पर लेता अभी ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, मूव है, मूव किया, स्केल करना है, स्केल कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, जितना हो सके चीज़ों को लाइक बहुत बेटर वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये पार्ट आपने ऐसे कुछ स्केल किया, साइड पे गए आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको करना है नीचे वाले पार्ट को आपको बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं आप क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया ड्रॉ साइज, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने अपना यू आई चेंज किया, मूव टूल लिया अभी। ठीक है, मूव टूल लेके मैं अभी देखो यहाँ पर मैं सरफेस बनाना चाहता हूँ, मैं सरफेस ऐसे करके भी बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। एक्स ऑन करो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ठीक है, आपके यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना है। साइड में गए, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा अरेंज करना है अभी, लाइक शेप्स को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं अभी। ठीक है, बाकी पार्ट मेरे पास ऐसे है, तो मैंने यहाँ पे शुरू होता है मैनेज किया, सिर्फ का सिर्फ स्मूथ कर दूँ तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देख जाएगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, ये आपको तो होता है कुछ शेप्स को ऐसे करके मैनेज कर लेना, शेप्ट एंड स्मूथ किया यहाँ पे मैंने। ठीक है, यहाँ देखो ये पार्ट में बस फ्रंट से साइड से शेप्स को मुझे कैसे रखना है, इन चीज़ को मैं समझना है कि लाइक ये से
कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये चीज मेरे को यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट में अगर एक बार फ्लोर ऑफ करता हूँ तो बस ये देखें यहाँ पे, मैं अगर ऐसा कुछ करके दिखाना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करके थोड़ा सा दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ प्रेस करना है, ये जो इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है अपने पे, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में ये चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी तक फ्लोर किया मैंने यहाँ पे, कुछ चीज़ों को मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। साइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं अगर देखो ये वाला पार्ट में बस ये पार्ट यहाँ से ये ब्रॉड है, ठीक है। अभी अंदर से यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका फ्लोर ऑफ कर लो यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैं देखा यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ साइज का तो छोटा करके यहाँ पे, ठीक है, स्विफ्ट है, ठीक है। अभी ये पार्ट है यहाँ पे, देखिए मैं एक बार फाइल सेव कर लेना, सेव एस किया मैंने यहाँ पे, जेड ब्लॉक वन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल मैं इसे रिमेस कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में गए, जेड रिमेस पे गए, जेड रिमेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो सेगमेंट सब मेरे पास ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे, स्विफ्ट है, ठीक है, एंड देन फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में आप लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से, यहाँ पर आप सोलो भी कर सकते हो, सोलो में जाकर यहाँ पर देखा ये पार्ट कैसा है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। ठीक है, ये जो सेप आपको दिख रहा है आपको ये पार्ट, देखो मैं मेस को भी ऐसे लिखा रहा हूँ, मेस को ऐसे लिखा सकता हूँ, वेल एंड गुड है। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं और भी ऑप्शन में बस यहाँ पे भी ऐसा भी है, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिप टूल है, क्लिप रेक्टेंगल है, क्लिप कर्व है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट क्लिक किया यहाँ पे, ये ऑल्ट 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 ये ऐसे किया तो मेरे पास ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑल्ट देखो ऐसे करके मैं कटिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो अनवांटेड पार्ट है, मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऐसे एंगल में नहीं आना चाहिए, ये मेरा जो शेडेड वाला पार्ट है यहाँ पे, शेडेड वाले पार्ट को आप ऐसे करके दे सकते हो, तो देन ये शेप आप यहाँ पर भी दे सकते हो, ये शेप आप यहाँ पर भी दे सकते हो कि कैसे मैनेज करना है, स्विफ्ट टैप, ठीक है। आप यहाँ से कट करके भी दे सकते हो, मैंने थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीज़ को लुक एंड फील भी दिया, कोई साइज मुझे देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, अब प्ले विल से हल्का हल्का यहाँ पे दे सकते हो, भाई मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट दिख रहा है तो मैं ऐसे कुछ शेप्स यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। डबल मैस नहीं दिखना चाहिए, ये डबल मैस दिखेगा तो लाइक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। इसके बाद मैं एक बार जेड रिमेस कर लूँगा यहाँ पर, जेड रिमेस जिसे क्या चाहिए अपने आप मैनेज हो जाएंगे यहाँ पे, देखो सेफ जो बनना चाहिए वो बन के आ जाएगा यहाँ पे, जो चाहिए देखेंगे, और स्मूथ के साथ आप यहाँ पर चाहिए को मैस को थोड़ा सा डील कर सकते हैं अपने, ठीक है। ये जो सेफ है आपके पास यहाँ पर, देखो यहाँ पे इन सेप्स को आप यहाँ पे वन वन करके डील कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोर पे गए, फ्लोर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव किया मैंने यहाँ पे, अभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। साइड टाइप पे मैंने थोड़ा सा इस टाइप से मैनेज कर दिया, ठीक है।
अभी अच्छा सा कंट्रोल होता है तो वेल एंड गुड एंड ट्रिम डायनेमिक आपका है या पॉलिसी आपका यहाँ पे टच पॉलिसी भी आप चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो या ट्रिम डायनेमिक से भी आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है। ऐसे कटिंग करने के बाद आपको चीज़ को होगा अगर लगता है डील करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे सेव दिया मैंने आपको थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे ओके। ये देखो यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट मुझे भी यहाँ पे भी जब मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है तो एक बेनिफिट मुझे यहाँ पे क्या मिलता है कि लाइक मैं बताऊँ सर लाइक बहुत ही अच्छे से एडजस्टमेंट करने के लिए कम्फर्टेबल होगा मैं ठीक है। ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ है ये पार्ट सिंपल से फेस करो और ये पार्ट मतलब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये जो पार्ट देखा आपको ये पार्ट मुझे यहाँ चाहिए ऐसा करके मैं थोड़ा सा सेफ को यहाँ पे मैनेज करता हूँ मैं मुझे यहाँ पे ठीक है। ये सेफ मेरे पास ऐसा कुछ मिल जाने वाला तो मूव टूल से आप मूव टूल की हेल्प से ये ध्यान रखना जब मैं से नीचे क्लिक होगा तो वो टर्न होने स्टार्ट कर देंगे ठीक है। तो आप यहाँ पे ठीक है अभी यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है सेव को देखा आपने यहाँ पे सेव आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे आप देखोगे स्विच को एडजस्ट करते देखो चीज़ें कैसे यहाँ पे बस यहाँ पे लाइक ये सेफ आपका आगे से पतला है ठीक है। यहाँ से आप देखो थोड़ी को ऑफ करो आप यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा स्मूथ ब्लेंड करो यहाँ पे हल्का सा फ्रेम लाने के लिए यहाँ पे ठीक है। ये सेफ मैं जो थोड़ा हार्ड करना सेफ टाइप प्रेस यहाँ पे ये सेफ मुझे ऐसे करके लेके चलना है ताकि ये पार्ट पता होना चाहिए ये पार्ट मेरे पास आगे तक पतला होने वाला है ठीक है। मैं ऐसे दोस्तों यहाँ पे कर देता हूँ लेकिन नॉर्मली यहाँ पे दोस्तों डील कर देता हूँ मेरे सेफ ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है। इस टाइप से ठीक है ये सेफ में यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं ठीक है। साइज सेट किया मैंने यहाँ पे और एंगल वाइज ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लेंड करके यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ से फ्लो ऑन किया फ्लो ऑन करने के बाद मुझे देखो ये जो लाइने दिखी है ये लाइन मेरे पास कहाँ पे जा रही है ये पतली सी लाइन है जो मेरे पास इधर की तरफ आ रही है तो मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए यहाँ देखो यहाँ पे फ्लोर मैंने ऑफ किया देन यहाँ से मैं थोड़ा सा अंडू अंडू यहाँ से मैंने क्या किया टाइम लाइन ऐसे में कटिंग करूँगा है ना तो ये सेफ भी मुझे थोड़ा सा कटिंग करना पड़ जाए तो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा ये सेफ मेरे पास ऐसे कुछ दिखेगा ठीक है। यहाँ सेट करो यहाँ पर आपने देखा फ्लोर पे ये लाइन आपके पास यहाँ पर विजुअल है ठीक है। अभी यहाँ से आपको ये समझना है कि लाइक मैं किसी भी चीज़ को कोशिश करता हूँ तो मेरे साथ कैसे दिखता है रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस है आपके पास यहाँ पे तो रेफरेंस में अगर आप जूम करोगे प्लस करके नहीं नहीं ये पार्ट आपको यहाँ पे पीछे वाला पार्ट आपको बाहर तक निकला हुआ है ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से ऐसे कुछ निकालेंगे ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया मूव टू लिया ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से निकालूंगा ये पार्ट में ऐसा कुछ एड ऑन करके रुकूंगा कि भाई मुझे कुछ स्टेप से इसको मैनेज करना है ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना पार्ट है एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो मेरा मॉडल है ठीक है ड्रॉ पे गए ट्रांसमिट दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे यहाँ देखा फिल्म मोड है यहाँ पे तो ये फिल्म मोड मैंने यहाँ पे थ्री कर दिया यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एनएस ऑब्वियसिटी ये पार्ट है ठीक है ये पार्ट ऐसे करके थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो ठीक भाई मैंने ऐसे कुछ किया यहाँ पे तो ठीक है। ये पार्ट मुझे कैसे दिखाना है तो मैं ये पार्ट थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ लेकिन मेरे पास यहाँ पे रूप फूल है यहाँ पे देखो यहाँ पे ये से मैं इसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ जब मेरे को बहुत ही विजुअल ना हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को फाइनेंस ओपेसिटी ये लूँगा ठीक है आपको यहाँ पे तो मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा मैं प्ले करके देख सकता हूँ कितना पार्ट है और कितने पार्ट से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है। ये भी आपको प्ले करके देखना है ये सेफ पेपर ऐसा है ठीक है। ये पार्ट देखो ये वाला आगे वाला पार्ट कहाँ ये वाला पार्ट है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या इस वाले पार्ट को मैंने अप किया आगे वाले पार्ट को अप करके यहाँ पे मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो रेफरेंस को जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा बेटर है ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा अप किया यहाँ पे और ये पार्ट देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे नहीं है ठीक है अभी ठीक है
मैं से करता हूँ चीज़ को मैनेज करूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर मैनेज किया, ये सिर्फ मैंने बहुत इधर मैनेज किया यहाँ पर, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारे पास यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा निकल रहा हूँ वो चीज़ में मैनेज करना है। तो रेफरेंस को थोड़ा सा समझना है कि कितने अच्छे से आप रेफरेंस को समझ सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर भी रहा हूँ तो यहाँ पर डेप्थ आ रहा है, तो लाइक ये जो डेप्थ है डेप्थ में इसका कनेक्टेड है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे भरना पड़े तो यहाँ पर ठीक है ऐसे करके मैं मैनेज करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, ठीक है। यहाँ से अभी ऑन ऑफ करके देख रहे हैं आप यहाँ पर, लाइक जब से सबसे ज़्यादा आपको जो यूज़ में है वो आपके मूव टूल कितना बेटर आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक करने का थोड़ा सा लाइक ब्लैंक भी कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे है ये पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ से कर सकते हो सिर्फ क्लिक यहाँ पे, यहाँ से आपको लाइक काफ़ी चीज़ें मिलेंगी लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ से मैंने क्या किया लेवल ये मैंने यहाँ पे स्कल भी किया था ताकि वो बस चीज़ काफ़ी तक दिखे कि यहाँ पे बेसिक ब्लॉकिंग आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इन चीज़ को समझना है, देखो मैंने मैनेज तो किया लेकिन यहाँ पे मैनेज करने का ये भी एक अपना पार्ट आता है। हल्का सा मुझे यहाँ पे ब्लेंड करना पड़ेगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा कुछ रेफरेंस को अलग से देख के भी जैसे यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया कंट्रोल डी डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, देन लेवल से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्टेप से शुरू को मैनेज भी किया पे, भाई ऐसे कुछ मुझे करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये सेप से यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लगता है थोड़ा सा मुझे अगर एडजस्ट करना है तो मैं ऐसा एडजस्ट भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा पार्ट मुझे अगर यहाँ से लाइक निगेटिव स्कल्प करके देना है मैं ऐसे भी निगेटिव स्कल्प करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट मेरे पास ऐसा भी है कि मुझे थोड़ा सा हार्ड में यहाँ पे देना है तो मैंने कुछ स्टेप्स भी स्कल्प करके मैं मैनेज भी दूँगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स पार्ट कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है। और देन आप अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखो पीछे का पार्ट आपको कैसे निकल के आ रहा है, ये पार्ट अगर आपका ऐसा कुछ है तो मैं थोड़ा सा क्लियर विल्डअप से यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज भी कर लूँगा। इसी पर बस ऐसा कुछ है जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा हैवी है, ठीक है। पीछे मैंने थोड़ा हैवी किया यहाँ पे, ठीक है। ये सेप आपका हल्का सा रैंडमली यहाँ पे कुछ दिखेगा, ठीक है। ये सेप आपका जो कनेक्टिविटी में है ये कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे निकल के आता है, तो देन आप इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं आपके यहाँ पे, कैसे आपके यहाँ पे काम करना है, ठीक है। स्टैंड को कम रखते हैं, ठीक है। ये हल्की जो डिटेलिंग है उसको साइड बाई साइड करते चलो आप, ठीक है। और देन यहाँ से चीज़ों को आप मैनेज करते चलो यहाँ पे हल्का हल्का ब्लॉकिंग वाइज तो मैनेज करो, ठीक है। ये पार्ट आपका कैसा है लाइक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है तो मैं स्टैंडर्ड से लेके यहाँ से मैंने ये कुछ ऐसे पार्ट यहाँ पर ऐसे कुछ पार्ट ऐसे दिया जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर चले गए तो मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। डिसलेक्ट किया मैंने यहाँ पे एंड देन शिफ्ट प्रेस किया, छोटी मोटी डिटेलिंग को बाद में दे सकते हैं भाई। जस्ट पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लॉकिंग वापस कितना रेडी है, ठीक है। ब्लॉकिंग वाइज मैं यहाँ पे कितना काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने मैनेज किया मोस्ट टूल लिया यहाँ पे हल्का से पार्ट मैंने अंदर प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ से भी तो सा मैनेज करना है, ठीक है। तो कुछ इधर से भी आप रेफरेंस को कर सकते हो, कुछ यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ कैसा है किस टाइप से, ठीक है। लाइक थोड़ा सा आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो, भाई ऐसे कुछ पार्ट मैंने ऐसा ऑन कर दिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे सोलो को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो अभी आपका बेसिक से स्ट्रक्चर आपको देखिएगा क्या कि आपके पास बेसिक से स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे आ रहा है कि कैसा पार्ट है किस टाइप से पार्ट है और मैं कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, वही मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे दांत बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेट किया जस्ट बेसिक ब्लॉक यहाँ पे सेट किया, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ लाइक मुझे व्हाट वी वॉन्ट मैं यहाँ पे लाइक फ्लोर ऑन करता है, फिर मुझे यहाँ पे दांत बनाना स्टार्ट करना है। दांत बनाने से पहले यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, सब पुल पे गया यहाँ पे, ठीक है।
अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। अपेंड में गए, आपने एक स्प्रे ले लिया अगर, ठीक है, आप स्प्रे लो या क्यूब लो, जिससे आप लाइक बटर बना सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। मैंने मॉर्निंग में लाइक स्प्रे से बनाया, अब मैं क्यूब से बनाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक मैं क्यूब से बनाऊँ तो मेरे पास क्यूब से कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या स्केल किया है, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ लिया लाइक स्केलिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे लाइक ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है, फ्रंट में गए तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, ओके। ड्रॉप आ गए, सिंपल सा पार्ट, पहले देखते हैं प्लेसमेंट दे लेते हैं, प्लेसमेंट में कितना पार्ट मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गए, इतना पार्ट है। अभी इतने पार्ट को मुझे एडजस्ट करना है, करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट ड्रॉप पे गए, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी एक दांत बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ किसी एक को पकड़ता हूँ, एक यहाँ पे लिया मैंने, सिमेट्री मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, एक्स मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक्स ऑन ऑफ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को मैं तो फिर मैनेज करता हूँ, ठीक है, ये जो थोड़ा सा स्मूथ स्मूथ करके मैं यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। फिर भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो चलो, मैं चाहूँ तो लाइक सोलो पर भी काम कर सकता हूँ, फिर मैं दांत बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, क्या देखना, जब तक मैं स्पीड टच होगा तब तक वो चलेगा, नहीं तो ये पार्ट है आपके यहाँ पे, ऐसे मैंने स्मूथ करके यहाँ पे लिया, फ्रंट पे गए, फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सेफ से मेरे पास यहाँ पे मैं साइज को छोटा करता हूँ, ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, ठीक है, और ये पार्ट मैं थोड़ा सा इधर से घेर देता हूँ, फोकस, ठीक है। अभी चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिप टूल से, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखो सेट टैब है, यहाँ से लाइक यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कुछ, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ तो ये देखा है भाई, विंडो किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यार तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, अगर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, कट करना चाहे कट कर सकते हैं, फिर मैस मेरे पास आ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्विफ्ट टैब यहाँ कट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा स्मूथ करो आप यहाँ पर, ठीक है, फोकस कर दिया, अभी मैं थोड़ा सेप को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, भाई मैनेज किया है, ये पार्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे फोकस, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा सेट किया है, ओके। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जेट रिमेसर करके, तो हम लोग यहाँ पर जेट रिमेस कर देते हैं, यहाँ पर रिमेस करते हैं अभी, ठीक है, रिमेस करने का यहाँ पर सेगमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैं सेट को तो यहाँ पे लेता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है, फोकस लगे यहाँ पे, फोकस फ्लोर पे मैंने कर दिया ऑफ, स्विफ्ट टैब, अभी यहाँ पे क्या करना, मुझे चीज़ को पता है मुझे मैनेज करना है कि मैं यहाँ पे मैनेज कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे थोड़ा पेशेंस आपको यहाँ पे डील करना पड़ेगा, ये पार्ट आपको यहाँ पे आ जाता है, एंड देन फोकस किया मैंने यहाँ पे साइड पर, साइड पर थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। फ्रेंड्स हमने जो बेसिक सेट देना था हमने थोड़ा दिया यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे ये पार्ट फोकस, ठीक है, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा क्या काम करता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे मैनेज करना है, सोलो किया मैंने फ्लोर मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, मैंने ट्रिम लाइन में किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ट्रिम लाइन में एच पॉलिश साथ यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा
स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा राउंड है, राउंड करने के यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट ऊपर, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव करना है, तो मैं नेगेटिव ऐसे करके दिखा सकता हूँ। मैं वापस ऐसा कुछ पार्ट है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा टर्न करके देखा है, यहाँ से मुझे क्या करना है, लाइक हल्का बोलते हैं, आगे से नीचे से पतला करना है, मैं पे थोड़ा सा पतला कर सकता हूँ, ठीक है, निगेटिव मैंने स्कल्पिंग करना स्टार्ट कर दिया था हल्का हल्का, ठीक है, एंड देन ऊपर से आपको मोटा होगा तो देन मैंने आपको मोटा कर दिया, ठीक है, ये पार्ट में पास ऐसा कुछ, ठीक है, मूव कर गया यहाँ पे, देखो इसको ही है, ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पे, जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा मतलब इस टाइप से यूज कर लेते हैं, अभी सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता तो चीज होता है, अभी मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके छोटे छोटे पार्ट में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, जय यहाँ पे मूव कर देते, ठीक है, ये तो कर मेंटेन करके अभी बेसिक वर्क कर रहे थे, बाद में सोचा लोग डिटेल पे आएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से दो पार्ट इधर और यहाँ से दो पार्ट इधर कर दिया, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे लिटिल बिट, ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे किया मैंने, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट आपको बस यहाँ पे, ठीक है, क्लियर बिल्डर से आपको हल्का फुल्का चाहिए तो आप यहाँ पे हल्का फुल्का स्विफ्ट आप दे सकते हैं, ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ बहुत सारे स्मूथ हम लोग करते हैं अच्छी दिल्ली की, ठीक है, बाकी पीजेस को पतला वाला करना है तो निगेटिव तो होता है स्कल्पिंग करके सिखा सकते हैं, पतला निगेटिव स्कल्पिंग करते हैं हमें, तो ऐसे करके आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं हमें, मैनेज कर दे, ओके, ये पार्ट वापस यहाँ पे, ओके, अभी चलो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सब कुछ पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया डुप्लीकेट करने के बाद, लाइक मैं यहाँ पर मुफ्त लेता हूँ, मुफ्त से मैंने यहाँ से यहाँ पे कर दू, ठीक है, मेरे को यहाँ पे मेरा मॉडल है, ऑन करके देखना है, लाइक सोलो ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, देन ऐसे में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये प्लेसमेंट दिया, बटन क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, साइड में जाना आप यहाँ पे, फोकस करना, ये कर्व मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, तो लाइक प्लेसमेंट थोड़ा सा इसमें आपका काम आने वाला है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिंपल सा पार्ट डुप्लीकेट करना है, जस्ट आपने यहाँ पर प्लेसमेंट दिया आपने यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा टर्न करना है, टर्न करना यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, साइड में जाए एंड देन साइड में आकर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज करो, ठीक है, लोडिंग ऑफ करो, यहाँ पर सेट करो आप यहाँ पे, ठीक है, सब चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, देन आप यहाँ से नॉर्मली हल्का सा रोटेशन हल्का सा शेप आपको एडजस्ट कर लेंगे, कि मेरा शेप कैसा है, ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मुझे शेप को जो किस टाइप से देना है, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, फिर से मेरे स्टेप से देना है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा, ठीक है, एक एक आप जो भी
क्विक बनाओगे यहाँ पे तो लाइक प्लेसमेंट दे दिया। ए पार्ट आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने का ओके क्लिक किया यहाँ पे, देन देखो ये यहाँ का डुप्लीकेट करने का लाइक कोई मोटिव नहीं, अंडू किया मैंने यहाँ पे, इसका डुप्लीकेट करते मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डुप्लीकेट किया यहाँ से, मैं इस चीज़ को यहाँ से पहले फ्रंट से और फिर साइड से, ठीक है। और देन यहाँ से आकर रोटेशन ध्यान देना, देखो यहाँ पर तो बाद आपको कुछ ऐसे भी डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ निकाला, ये पार्ट मैंने कुछ स्टेप दे दिया, तो ये सेप आपको ऐसे करके थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। एंड देन फ्लोर वाइज ओके, ये पार्ट आपको थोड़ा ऐसे करते हैं ओके। अभी यहाँ से भी आपने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया, तो आप यहाँ से सिंपल से पार्ट आप सरफेस किया, आपको यहाँ पर फिर से सेम चीज मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा और फिर आपको फ्लोर ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे देखो पोजिशन आपको दिखेगा, रेफरेंस सही दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देन रोटेशन आपको देना पड़ेगा, ये पूरा आपका पूरा एक आपको आर्क बनाना पड़ेगा कि आर्क कैसे दिख रहा है। पहले ऐसे करके बनाना, उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है कि कैसे मैं यहाँ पे काम कर पाऊँगा, ठीक है। फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ को आप भी बताऊँगा, ठीक है। अभी इसके बाद आपके पास आगे के तीन हो गए, पीछे के चार, दो हाथ होते हैं, ये तो से आपको मोटे होंगे, तो मोटे करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी यहाँ से मैं चीज़ को तो उसमें मैनेज कर सकता हूँ, सोलो कर दिया यहाँ पे। अभी इसको मुझे थोड़ा सा ठीक करना है, अभी यहाँ पे देखो स्केल से अल्पा होगा ठीक जो हो सकता है ठीक कर दिया मैंने यहाँ पे। ड्रॉप पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, फोकस मैं यहाँ पे सिंपल प्ले बिल्डर से यहाँ पे थोड़ा अरे बेसिक से सेप यहाँ पे रेडी कर देता हूँ, ठीक है। बेसिक सेप मैंने यहाँ पे रेडी किया, ठीक है। ये सेप आपका यहाँ पे भी आएगा, ये सेप आपको, ठीक है। फोकस सोलो ऑफ किया मैं, फोकस जितना आप डिटेल दे सकते हो आपको डिटेल देना है, ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना मूव पे गए, हल्का सा मूव यहाँ पे किया, फ्लोर ऑफ किया यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आपको देख के चल रहा है, यहाँ पे मेरा शेप आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा शेप देख के चलो कि यहाँ पे शेप मेरे पास कैसा है, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, देन यहाँ से मैंने क्या किया, फिर से तो देन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट यहाँ पे किया, ये पार्ट रोटेशन ही देना मुझे यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा मैनुअल भी डील करना पड़ेगा, आपके पास शेप कैसा है किस टाइप का, और किस टाइप से आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। देखो जिस ब्लॉकिंग वाइज मैं आपको चीज़ को दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट, अभी यहाँ से यहाँ पे मैंने कर दिया, और देन ये पार्ट को थोड़ा सा मुझे अंदर भी लेके चलना था, मैं अंदर भी लेके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक हर एंगल से थोड़ा सा मुझे मैनेज करके दिखाना है कि भाई मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है, ओके। देखिए अभी ये पार्ट आपको यहाँ कर रहे हैं, देन इसी जहाँ तक मैं यहाँ पे एक पार्ट डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे पीछे तक कर दिया, ठीक है। ये शेप मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ मैम शेप कैसे जा रहा है, ठीक है। देन यहाँ से अभी एक एक जो हमने किया उसमें क्या थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिल जाता है, मैं एडजस्ट कर पाता हूँ क्या, अभी ये एडजस्टमेंट जो मुझे करना है मैं यहाँ पे डील करके देख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रही है, तो मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं सेव करूँ तो भी मुझे देखो सब सिमिलर से लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव मेरे पास ऐसा है, तो देन
20 में से सिर्फ आपका ये क्या हुआ मूव को लिया मैंने अगर हल्का फुल्का आपके ये थोड़ा डाउन यहाँ से थोड़ा डाउन ऑल्ट एंड क्लिक किया ठीक है यहाँ से मैं थोड़ा सेव को अप एंड मैनेज कर देता हूँ ठीक है क्लिक किया मैंने अभी ऑल्ट एंड क्लिक ऐसे ही करके दोस्तों मैंने चीज़ों को थोड़ा मैनेज किया कि वही मेरे को सेफ ऐसा कुछ है उस टाइप से मैं दोस्तों लुक एंड फील दे सकता हूँ ठीक है कि सेफ पेपर्स कैसे गया तो क्लिक काइंड ऑफ अभी यहाँ पर मैं सेट किया यहाँ पर सेट करना लेकिन मेरे पास जो दांत के पार्ट है यहाँ पे मैं सेट करता हूँ ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे ठीक है मूव किया और मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करूँगा यहाँ पे ये पीछे की तरफ कर रहा हूँ ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे ड्रॉप गया ऑल्ट एंड क्लिक ठीक है यहाँ पे सेट किया अभी ये पार्ट ऐसे कुछ ऑल्ट एंड क्लिक ये पार्ट फ्रंट से भी ऐसा कुछ यहाँ पे ठीक है अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे मैं चीज को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया ड्रॉप पे गए मूव स्कूल पे गए ये मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कुछ स्टेप से भी कर देता हूँ ये दोस्तों मैंने ये पार्ट ऐसे दिखाया कि ये पार्ट अप एंड डाउन ठीक है ये सेफ मैंने हल्का सा नीचे खींच दिया ये सेफ हल्का सा इसमें क्या होगा आपका दोस्त यहाँ पर कनेक्टिविटी और बेटर दिखा देंगे ठीक है ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे ओके तो देन यहाँ पे सेफ्स को यहाँ पे दोस्तों में और बेटर दिखा सकता हूँ स्टैंडर्ड पे गए फॉलो अप लिया मैंने यहाँ पे देन यहाँ देखो यहाँ पे जो निगेटिव है ना निगेटिव स्कल्पिंग मैंने यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे कर दिया ठीक है यहाँ यहाँ पे यहाँ पे चाहिए क्या होगी इसके बारे में चाहिए मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पर मैंने ड्रॉ साइज तो मैंने यहाँ पे किया इसी पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उनका साइज कल करता हूँ ठीक है ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा ये इस टाइप से ठीक है इस टाइप से यहाँ अभी इसी को मैं कनेक्टिविटी देता हूँ तो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पे ऐसे स्कल कर दिया ये कुछ इस टाइप से स्कल के ये पार्ट बाहर में दिखेगा आपको ठीक है काइंड ऑफ हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया स्मूथ में ठीक है ये पार्ट आपको थोड़ा अलग से भी देखेंगे ठीक है अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी देखेगी आपके पास यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे देखिएगा भाई यहाँ पे कुछ पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे देन हम कहता है मैं मूव चुना था यहाँ पे थोड़ा मैं माइनस करना अभी इन्हीं को मैं डुप्लीकेट करके मैं मैनेज कर सकता हूँ ये जो पार्ट मैंने अभी किया ना ये पार्ट होगा तो मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ ये पार्ट आपका ऐसा अंदर दब गया ये पार्ट आपका ऐसा अंदर दब गया ये स्टेप से ये स्टेप से अंदर दब जाएगा आपका ये जो शेप से आपको जो भी अनवॉन्टेड निकलेगा उनको मैं थोड़ा ऐसे भी मैं मैनेज करूँगा हर एंगल से दोस्तों मैंने काम करने वाले फोकस किया ठीक है इसी में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जैसे मेरे दांत हैं इन दांतों को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑल्ट एंड क्लिक किया अभी यहाँ पे मुझे चीज़ों को चाहिए मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ फिर डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे ठीक है अंडू करता है इसको मैंने क्लिक किया ऑल्ट एंड डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिफॉर्मेशन पे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो मिरर ये आ जाएगा ऑल्ट एंड क्लिक किया ठीक है यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे क्या करते जाओ सिंपल में जाओ डुप्लीकेट करते जाओ और यहाँ से आप डिफॉर्मेशन ले जाओ एंड सिंपल मिरर में कर दो ये पार्ट अपने आप यहाँ पर अपनी जगह पर बिल्कुल पहुँचे जाएगा ठीक है यहाँ पे गए डिफॉर्मेशन देन यहाँ पे मिरर बटन क्लिक किया ठीक है डुप्लीकेट यहाँ पे गए सिंपल मिरर ठीक है ऑल्ट एंड क्लिक यहाँ पे किया डुप्लीकेट एंड मिरर ऐसे करके एक तरफ आपको क्वेश्चन देना है दूसरे तरफ आपका यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा आपका यहाँ पे ठीक है एंड देन सिंपल पार्ट तो यहाँ पर आपने एक तरफ काम किया ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओके इसी पार्ट में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया ये पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे क्योंकि इनको मैं यहाँ पे कैसे एडजस्ट करके देख सकता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया इन सबों को मैं यहाँ पे वन वन करके जोड़ता हूँ एक बार फाइल सेव करते हैं यहाँ पे ठीक है सेव किया मैंने यहाँ पे ओके
ओके यहाँ पे वन है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फाइल सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ऑप्शन होता है क्या मर्ज सिमिलर करके होता है। देखो मर्ज सिमिलर में अच्छा हो जाए बहुत अच्छी बात है, मर्ज सिमिलर है हो गया वेल एंड गुड है, नहीं तो मुझे एक एक करके मुझे मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मर्ज डाउन। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, बाकी जो चीज़ें हैं बड़ी बड़ी चीज़ें उनको ऑफ कर दो, ये ऑफ किया ये ऑफ किया, मेरे पास ये बात है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ मर्ज विजुअल भी किया जा सकता है। देखो मर्ज विजुअल हुआ क्या, नहीं मर्ज डाउन जब ये काम ना करे तो आपके पास एक क्लास ऑप्शन आपके ही बच जाता है। मर्ज डाउन, मर्ज डाउन, आप इसको बाद में आराम से एडजस्ट करके देख सकते हो। आप यहाँ पे ये पार्ट आपने किया, ओके मर्ज डाउन एंड मर्ज डाउन। ठीक है, अभी ये मैंने मर्ज डाउन कर दिया, इज इट पॉसिबल मैं इसका डुप्लीकेट कर लूँ। डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, डुप्लीकेट करने के बाद लाइक मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है कि मैं अगर चलता हूँ यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे, अभी मुझे यहाँ पे मिरर करना है, मिरर पे यहाँ पे क्या एक्स पे था। ठीक है, अभी यहाँ देखो मेरे पास इसमें मुझे करना है, मैंने x ऑफ किया यहाँ पे और मैं यहाँ पे y पे करता हूँ, होगा क्या फर्स्ट चेक करें यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कुछ काम किया यहाँ पे, ये पार्ट एंड ये पार्ट यहाँ पे देखो, देखा आपको यहाँ पे तो लाइक ये जो पार्ट होंगे कुछ इस टाइप से। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी मेरे सेप्स हैं यहाँ पे तो मैं सेप्स को कैसे लेके चल सकता हूँ। ठीक है, शोर्ट किया मैंने यहाँ पे, ये जो पार्ट है आपने यहाँ पर हल्का सा स्केल, ये पार्ट में हल्का सा ऊपर। ठीक है, और अल्टी बिल्कुल जो एडजस्टमेंट चाहिए मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक मुझे लगता है साइड से मैं थोड़ा सा रोटेशन चाहिए, मैं थोड़ा सा रोटेशन भी दूंगा। ठीक है, देन ये पार्ट ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट चाहिए वो एडजस्टमेंट यहाँ पे करके दिखाऊंगा, भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम है तो मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट हल्का सा यहाँ पे है, एडजस्टमेंट में है तो देन मैं अभी यहाँ पे स्विच करते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ सिंपल द पार्ट, अभी और द पार्ट मुझे यहाँ पे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये दोनों पार्ट आपके यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ से यहाँ पे विजुअल होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पार्ट है, मैं यहाँ पे थोड़ा पार्ट पतला करने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा पार्ट ये पतला करके दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे दोनों चाहिए लाइक कुछ रेफरेंसेज हैं जैसे कहीं पर नीचे वाला इसके हाथ में जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसे करके होगा यहाँ पे इम्पैक्ट दे दूंगा यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया था होगा कुछ काइंड ऑफ हल्का सा शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे सेट किया यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए सॉल ऑफ यहाँ पर जो फोकल शिफ्ट है यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं तो था लाइक वन बाय वन करके मैं तो था लाइक डिटेलिंग है कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो मैं यहाँ पे तो था चीज़ों को लाइक काइंड ऑफ कर्व्स बना दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेंगे। अभी अभी यहाँ पे मुझे हल्का यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ साइज मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देन यहाँ पे तो वक्त मैं यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रखना। ठीक है, हल्का सा स्ट्रेंथ मैंने बढ़ाया है। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे करके देन पहले ऊपर की तरफ मूव करो, ऊपर की तरफ ऐसा करो, फिर ऐसे कुछ आप ऐसे करके तो और इम्पैक्ट दे सकते हो आपके यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे स्मूथ करना स्टार्ट करो, तो वो चीज़ें लाइक कैसे तो इम्पैक्ट ऐसे भी दिखेगी, यहाँ पे कुछ एक पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंटेड चाहिए पॉइंटेड आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं क्या, लाइक कितनी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। अभी काफ़ी चीज़ को हमने फुलफिल नहीं किया, लेकिन एक बेसिक ब्लॉक में हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है कि भाई अगर मैं यहाँ पे थोड़ा काम करना चाहूँ तो मैं लाइक कैसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इनकी मैं थोड़ी सी कनेक्टिविटी यहाँ पे लेकिन स्ट्रेंथ को मैंने काम किया यहाँ पर, थोड़ी सी कनेक्टिविटी को मैं यहाँ पे थोड़ा दे रहा हूँ कि भाई मेरे कनेक्टिविटी कैसे जा रही है यहाँ पर। क्यों देखो जिस सेप ऐसा बनाया फिर ऐसा ड्रॉ किया, इस सेप आपको थोड़ा ड्रॉ करना समझना पड़ेगा, जिस स्टेप से बेसिक राउंड बनाया ऐसा ड्रॉप किया, बेसिक आपने राउंड बनाया देन ऐसा कुछ ड्रॉप किया, वो चीज़ तो वक्त आपके यहाँ पे निकलते हैं। दिखाया
ये पॉइंट आपको ये पॉइंट कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसे हम अपना जैसे स्ट्रॉन्ग बनाए फिर ऐसा कुछ, ठीक है, ये सिर्फ आप यहाँ पे मैम इस टाइप से आप यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कि ये ऊपर से थोड़ा अपना कनेक्टिविटी है थोड़ा और बेटर दिखना स्टार्ट करें, ठीक है, फिर हल्का हल्का स्मूथ कलर आप यहाँ पे तो ये चाहिए थोड़ा और इफेक्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, अभी इसी में काम करते हैं थोड़ा सा ब्लॉकिंग का मैंने काम करते हैं, ब्लॉकिंग बेसिक्स है आपका इसका रेडी किया कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग देखो बहुत डिटेल है, डिटेल में हम लोग वन वन करके यहाँ पे डील कर सकते हैं यहाँ पे कि जितना डिटेल हम लोग देंगे यहाँ पे डिटेल देना पॉसिबल है और उनको हम लोग वन वन करके यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो देन टाइम पे करना तो था टाइम की तो शॉर्टेज है तो उसके लाइक हम लोग यहाँ पे ये बट कुछ स्टेप से कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ से फर्स्ट स्टेप्स को आप यहाँ पे जो पार्ट है इस पार्ट को दोस्तों मैं आपको बताऊँ स्मूथ करके यहाँ पे लेके चलेंगे भाई मुझे अगर कुछ ऐसा डील करना है, ठीक है, ये जो पार्ट है बट थोड़ा पतला करना है तो मैं आपको दोस्तों इन चीज़ को थिकनेस को मैं कम कर सकता हूँ, कम करने के लिए स्ट्रेंथ टाइम के यहाँ पे, ठीक है, ये सेप को मैंने थोड़ा सा इधर से और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, तो लुक वाइज यहाँ पर चीज़ों को दोस्तों लाइक स्कल्प करें यहाँ पे थोड़ा बहुत ये पार्ट वैसे ऐसा कुछ पार्ट है आपके यहाँ पे यहाँ पे इसको दोस्तों लाइक ठीक करना है तो क्ले बिल्डअप से आपके यहाँ पे जस्ट समझने की कोशिश करना कि लाइक आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, सिर्फ प्रेस कर रहे हो आप यहाँ पे देने यहाँ पे स्विफ्ट डी जब डिवीजन जाता हो स्मूथ प्रॉपर नहीं होता तो मैं यहाँ पे तो था डिवीजन कम करके भी जब हम चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगे कि कैसे हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे देन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके यहाँ पे दे सकते हैं तो फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लेंड किया, चलो यहाँ पे थोड़ा सेफ यहाँ पे देख रहा है कि मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहूँ ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ करना है तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा एडजस्टमेंट भी करूँगा कि ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये सिर्फ हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा तो ऐसे करके भी आपको दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा, कैसे मैनेज कर सकते हैं ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ये पार्ट आपको ये पार्ट आपको बाहर दिख रहा है ये पार्ट आपके आपको दोस्तों बाहर आएंगे सेप्स है सेप्स को आप यहाँ पर कर सकते हो ये पार्ट किया ये पार्ट अपने हल्का सा अंदर किया तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको कुछ स्टेप से दिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों मैनेज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर ऐसे भी कुछ पार्ट को ऐड ऑन करने की कोशिश की, ठीक है, तो बेसिक जैसे हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की कि कैसे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और शेप्स को लेकर किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बेसिक ब्लॉकिंग रेडी किया और डिटेल कर जाए और टाइम देंगे तो और चीज़ को डिटेल कर सकते हैं।